करनाल केंद्रीय के गांव खेड़ा में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टरों की टीम के साथ गांव पहुंचे और सभी की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार गांव का रहने वाला 28 वर्षीय पंकज अपनी पत्नी के साथ नोएडा रहता था। पंकज वहां किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 22 मई को ड्राइवर मनदीप उन्हें लेने के लिए गांव से चला। उसने पंकज और उसकी पत्नी को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया, जहां पंकज ने अपना और अपनी पत्नी शालू का कोरोना टेस्ट करवाया, जो शनिवार को आई रिपोर्ट में पंकज की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जबकि उसकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पंकज की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही प्रशासनिक अमला गांव में पहुंचा और पंकज और ड्राइवर मनदीप की गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। एहतियात के तौर पर ड्राइवर मनदीप के परिवार को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। पूरे गांव को बफर जोन घोषित किया गया है। यहाँ पे खेड़ा में एक केस, पंकज नाम का लड़का है, 28 वर्षीय है। वो नोएडा से आ रहे थे, कल्पना चावला में उनकी रिपोर्ट हुई है, पॉजिटिव आए हैं। आसपास के एरिया को सारे को हम कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है, सील कर दिया है। जो जिनसे वो मिले हैं, जिनके साथ भी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री बताई गई है, वो हमने सारी नोट कर लिया और हर जगह क्वारंटाइन के पोस्टर लगा दिए। जिस ड्राइवर के साथ आए थे उस पर भी क्वारंटाइन के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं। लोगों को हिदायत दे दी गई है कि वो अपने घरों में ही रहें और उनको भी क्वारंटाइन के लिए है। उसके बाद फिर हम उनकी टेस्टिंग के जैसे होएगा उस हिसाब से कराएंगे। अभी हम लिस्ट बना रहे हैं किस किस के कॉन्टैक्ट में वो आ रहे हैं और आगे क्या हो रहा है। ये वहीं से ये बोल रहे हैं जो इन्होंने हमें हिस्ट्री दी है कि वो आदमी आके सीधा कल्पना चावला चला गया था, लेकिन गाँव में से अभी हमें एक दो लोगों से पता चला कि वो आए हैं यहाँ पर। तो ये अभी हम जाँच पड़ताल चल रही है केस पे कि वो यहाँ पर आए हैं नहीं आए हैं या डायरेक्ट गए थे। तो वो वहाँ पे अपना कल्पना चावला में वो और उनकी वाइफ दोनों टेस्ट करा के आए हैं। तो जी बिल्कुल सैंपल ले जाएंगे। अभी होम क्वारंटाइन है, आफ्टर 5 डे के बाद हम लोग सैंपलिंग करते हैं दोबारा। तो 5th डे पे इनको लेके जाया जाएगा और सबकी सैंपलिंग होगी, जो भी उनके कॉन्टैक्ट में है, चाहे वो ड्राइवर हों चाहे वो पड़ोसी हों, सारी हमने उस हिसाब से हिस्ट्री ले ली है, सबकी टेस्टिंग होगी उस हिसाब से। एक अभी सुबह सूचना मिली थी, पंकज नाम का व्यक्ति है इस गाँव का, जो नोएडा में किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, और वो कल नोएडा से अपनी पत्नी के साथ करनाल में आया था, जिसने कल्पना चावला में मेडिकल चेक कराया और उनको कल कुंजपुरा में क्वारंटाइन किया गया था। जो आज उन पंकज की रिपोर्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ गई है। उसके बाद में सारा प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है, डॉक्टर की टीम भी पहुँची है और उसकी पूरी फैमिली को क्वारंटाइन किया गया और पूरी गली को भी क्वारंटाइन किया गया और सील, बिल्कुल गली को दोनों तरफ से सील किया गया और 24 घंटे के लिए पुलिस का पहरा लगा दिया गया। ये नोएडा से आए थे, नोएडा में किसी प्राइवेट जॉब करते हैं कंपनी में, और ये इसी गांव का एक लड़का है, नवदीप नाम का लड़का, वो इनको लेके आया था। उसको उसके उसकी फैमिली को भी पूरा क्वारंटाइन किया गया है। उस जिस गली में वो रहता है नवदीप लड़का, उस गली को भी पूरी को सील किया गया। आइसोलेट तो अभी उसकी उसकी पत्नी को और उसको दोनों को, पंकज को, तो दोनों को आइसोलेट किया जी, गया बाकी को हम क्वारंटाइन। यस यस, वासियों को सबको इसके बारे में हिदायत दी जा रही है, भाई कोई भी इस गली में ना आए और ना ही इनसे बातचीत करे ना बाहर निकले। और इनको भी बिल्कुल इस पूरी गली को बोला गया भाई कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले जब तक डॉक्टर साहब ने क्वारंटाइन किया है। तो इनके अगर खाने पीने की या किसी चीज़ की इनकी आवश्यकता होती है, हाँ, इनको वो नंबर दिए गए हैं, सरपंच साहब का भी नंबर है, प्रशासन का नंबर, अगर किसी चीज़ की इनको जरूरत होगी तुरंत इनके पास पहुँच जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.